करने के बाद एसी कमरे में और एसी के साथ साथ मरीज का खुराक, मरीज के खुराक में उसके साथ एक व्यक्ति आता था, उसका भी काम चल जाता था। ये सुविधाएं थी, लेकिन आज उस संस्था में भी बहुत सी कमियां आ गई हैं, जबकि कमियां नहीं आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने फंड में कुछ कमी कर दी। यहाँ के डीसी फंड को नहीं ला पा रहे, और भी व्यवस्थाएं हैं, नहीं देख पा रहे। देखना चाहिए, जबकि देखना चाहिए, डॉक्टर्स भी जो इलाज करना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। लेकिन हमें खुशी है कि जो सुधा हॉस्पिटल है, जो मोन्टी ने बताई दिया है, उस सुधा हॉस्पिटल की विशेषताएं, यहाँ पर जो भी मरीज आएगा निराश होके नहीं जाएगा, चाहे उसके पास पैसे हैं नहीं है, तब भी उसे इलाज मिलेगा। तो इसलिए ये पूरी की पूरी सुविधाएं इस हॉस्पिटल से मिलेंगी। और जैसा कि हमने अभी छात्रों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, उनको यहाँ पास तो किया गया है, और उसके साथ साथ छात्रों ने भी समाज से संबंधित यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है बहुत ही अच्छा किया है, उनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे, इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। जो आपने बाद में जो दिखाया है जय जवान जय किसान के बारे में जो बताया है, और जो देश को जो आज़ादी मिली थी, तो पूरा देश गांधी के नेतृत्व में पूरा देश एक था, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और देश का बच्चा बच्चा, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सबका योगदान था कि हमारा देश आजाद हो। और फिर आजाद हुआ तो हमें इतना ही कहना चाहते हैं, जब तक देश में एकता नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लेकर के किसान मजदूर से लेकर के, जब तक एक नहीं होगा, और किसानों से लेकर मजदूरों से लेकर जो समाज के लोग आज भी आज़ादी के 79 साल बीत जाने के बाद आज भी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उपेक्षित लोग हैं, जब तक उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगे तब तक हमारी अपूर्ण आज़ादी नहीं है। हमारे जो शहीद हुए थे उनका सपना था हमारा देश आज़ाद होगा, और आज़ाद होने के बाद कोई नंगा भूखा नहीं रहेगा, इलाज के लिए कोई परेशान नहीं होगा। तो ये सपना अभी अधूरा है, तो इसके लिए हम सब लोग एक रहना पड़ेगा। आज जो देश को बांटने के षड्यंत्र हो रहा है, आज जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं, न्यायपालिका को नहीं मानने वाले हैं, जो विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग संविधान की भी अवहेलना कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इस अवसर पर इन छात्रों को, नौजवानों को, जो अपने भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, पढ़ करके इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, और ये बातें जब तक नहीं उनके दिमाग में होंगी तब तक देश ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। देश जो हमारे कर्णधारों का सपना था वो अधूरा रहेगा। तो एकता के साथ जब तक सब लोग मिलकर के
काम नहीं करेंगे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए इस अवसर पर हम मोंटी जी को, विवेकचंद और मम्मे जी को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने आज के दिन शुभ काम किया है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं और उनकी जो योजना हो वो सफल हो, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का उन्होंने अपने उद्बोधन में ना सिर्फ सदा हॉस्पिटल को, आम जनमानस को और इस संस्थान को बधाइयां दी है, आने वाले समय के कर्णधार इन छात्रों को अपनी बधाइयां दी हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सदैव उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। मैं पुनः सभी अतिथियों को इस मंच के माध्यम से